वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, मंसूर को हेड मिस्ट्रेस नजर आती है मुझमें भी और गरीदा में भी, मैंने तो रजिस्टर खोल लिया है, मगर अब ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इसके अंदर जो सबसे स्पॉन्टेनियस और सबसे एप्ट जिसका जवाब होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। मेरे बच्चे भी इधर आ गए, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, कौन स्ट्रिक्ट है ज्यादा, मैं स्ट्रिक्ट हूँ ज्यादा या काशिफ? काशिफ स्ट्रिक्ट है। हो गया ठीक है, अब आप जाएं, ईद मुबारक। तो जिसने इधर उंगली की है मुबारक। हाँ हाँ ईद मुबारक। ओके चले जी, तस्वीर दिखाएं। पहली तस्वीर, कैन यू मेक अ बजर साउंड? हां, कैन यू मेक अ बजर साउंड? यू जस्ट यू स्पीक अप, गो गो। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फॉर्म 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन। क्या 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 क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फॉर्म 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन। लेफ्ट साइड फॉर्म 47, यानी 45, फॉर्म 47 नोटिफिकेशन। Wow, can anybody beat that? Yes, वही है, फॉर्म 47 एंड फॉर्म 45। हाँ मगर कौन कौन सा 45 है, कौन सा 47 है? मेरा पांच लोग जो पांचों के पांचों यहाँ नहीं होना चाहते। तस्वीर को देखते हुए लग रहा है कि गंडापुर साहब के वो जो ऊपर एक डायलॉग का वो सर्कल आता है ना, अगर वो सबके साथ किया जाए तो गंडापुर साहब कह रहे हैं ये मैं किधर आ गया यार, खड़ा हो गया, ये मैं कहाँ पर खड़ा हुआ। और मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं यार मुझे किसके साथ खड़ा कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे यहाँ किसने खड़ा किया। और मरियम कह रही है मैं यहाँ खड़ी हुई कैसी लग रही हूँ। नहीं और एक मिनट में बात। और सरफराज भुक्ती साहब जो है वो कह रहे हैं सर यहीं खड़े होना था। गुड वन। और मरियम साहबा फोकस कर रही, अच्छा ये अगली आ गई, मरियम साहबा फोकस कर रही हैं कि जहां शहबाज शरीफ साहब की जगह मुझे खड़ा होना चाहिए। वैसे शहबाज शरीफ साहब का टेंशन किस तरह, ये सीधा होता ना सर, डजंट मैटर कौन किस तरह पहुंचा है, पांचों घी में। अच्छा भाई ये मार्क्स मैं दोनों एक एक मार्क दे रही हूँ, एक मंसूर को एक गरीदा को। गरीदा वाज फैंटास्टिकली स्पॉन्टेनियस एंड ऑन द डॉट, एंड मंसूर ने जो एक एक करके पोस्टमार्टम किया है इस पिक्चर का, दोनों को 1-1 पॉइंट ईच। गरीदा 1, मंसूर 1। दे आर नॉट शेयरिंग द हैम्पर। लेट्स सी, अभी और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नेक्स्ट पिक्चर मिल गया मुझे, हैम्पर ही मिल गया। नेक्स्ट पिक्चर कम ऑन, प्रिंस चार्मिंग एंड The one and only सरदारी सब पे भारी। हो गया जमिया, हो गया जमिया। Okay, can anybody beat that? हो गया जमिया, good one मालिक। Okay, पापा फिर सदर बन रहे हैं। बेटा एक दफा और बैठ जा बाहर, एक और बारी ले लिया। पापा हमने भी इमरान खान की तरह यूटर्न ले लिया। चले जी ये गया मिकी को, 1 पॉइंट। नेक्स्ट पिक्चर, मैं तो कबूतर उड़ाने ही आया था। मुझे क्यों उड़ाया? गुड वन। अमन की आशा मेरे ख्याल से ये पैगाम दे, मुझे क्यों बुलाया या मैं तो कबूतर ही उड़ाने आया था। मिस्टर बासी बड़ी खामोशी तारी हुई थी, मैं बड़ी अच्छी तस्वीर है, अच्छी कबूतर पसंद आया आपको? हां बट अदर देन दैट ये पिक्चर अच्छी थी। कबूतर पसंद आया, कबूतर को पता तेरा तो मेरा इस मुल्क में कोई काम नहीं है। हां ये भट्टी साहब को मिल गया जनाब। नेक्स्ट पिक्चर, थोड़ा सा कारपेट आगे कर दीजिए, आइंदा मैं इतने दूर जाके पौधा नहीं लगाऊंगी। वोट को इज्जत दो को दफन किया जा रहा है, मंसूर अली खान ने जरा डेप्थ डाली है जवाब में, मगर आपका बात आधा आधा। चलो हाफ पॉइंट मुझे मंजूर, हाफ पॉइंट भट्टी साहब, हाफ पॉइंट मंसूर। कह सकते हैं गमलों की पैदावार। ये तो गरीदा दोनों के आधे आधे पॉइंट ले गई। गमलों की पैदावार गरीदा तुम्हें भी मैं दे रही हूँ, जमीन में लग रहा है। ओके तो खुद अच्छा जवाब नहीं देते, फिर गरीदा को पॉइंट ही लेने देते। निकाल छोड़ो मालिक साहब, ओके गमले लग देना, वो भी मिसाल ही है ना। ये तस्वीर, ये भाईजान माजरत थोड़ी गल नहीं सी हुई। आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाईजान अब आगे मेरा ही दौर है। और शायद नवाज शरीफ कहते पीछे हट और की लेने। Anybody else? ना मेरे ही लिखे। अच्छा जी, भट्टी साहब को एक और पॉइंट। अब सब वैसे ही आपका भी बनता था, पर आप भट्टी साहब को पहले से ही दे दें। नहीं नहीं आपको दे दिया मैंने, इलेक्शन डिसाइडेड है तो दिल आया, इसलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, इस पर तो यही बनता। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। काशिफ याद है आपको ये कौन सी इन्फेमस वो थी, मीटिंग के लिए गई थी पीटीआई और सर जब मिलने गए थे मौलाना फजल उल्लाह साहब से।
और बाजमात उनके पीछे खड़े हो गए। पीटीआई मेरा ख्याल है एहतजाज ही बाजमात ही होना चाहिए इनका। नहीं नहीं पीटीआई डीजल कोशिश यही कर रहे होने पीटीआई डीजल भरवा कर बस भी फरीजा अदा कर रही थी यार। ये भी भट्टी साहब को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? करो करो लिखो 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 जल्दी नहीं वैसे गरीदा का भी अच्छा था। बोली नहीं मैं अभी खड़े हो आप जबान बंदी करना चाहते हैं। देखो जेंडर पे आ गई फिर ये तो चाहती है कोई ऐसे इसकी पिच में आए आगे खेले मार देगी। आधा आधा कर दूं? नहीं 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 वो क्या मैं मुदू अयाज बंदा रहा था भट्टी साहब आप हैंपर का मैंडेट चोरी किए जा रहे हैं मुसलसल। एक एक मेरा एक ये भट्टी साहब का पॉइंट बनता है। अच्छा चले नेक्स्ट ये किसी से नहीं मिलूंगी इसका जवाब। जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी लगाना क्या काशिफ अब्बासी नहीं नहीं पॉइंट यू आर सून अबाउट टू गेट डिस्क्वालीफाइड। यार मैं पट्टी दे लेवल से थोड़ी जा सकता है क्या मैं पट्टी दे लेवल से थोड़ी है इतना ऊंचा। इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी लगाना क्या। जितने इन्होंने भाषण दिए है ना दिस वॉज नॉट दी अनमार काकड़ आई न्यू। ये वो अनवार काकड़ नहीं है जो बैठ के बता रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ हर चीज के ऊपर कि तुम लोग क्या गलती पूरा माशरा गलत किधर है। सीरियस नहीं होना। अच्छा क्या आपने फर्क क्या पाया यार भाषण देने शुरू कर जो स्कूल तो जिस तरह बन गए वो स्कूल टीचर बन गया आके यार। थैंक यू ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन लिखो मालिक बस दे दे मालिक साहब को मालिक साहब को कहां से दूं। नहीं हम तो कमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट पे बड़ा भाई फिर सही कहा आपने क्या दिया था सही हेड मिस्टर इंशा जी उठो अब कूच करो यार इसका कर लो ना चल इसका ये लगा ले नहीं इसका ये लगा ले इसका ये लगा ले जिनके लाने वालों के साथ तस्वीर यादगार तस्वीर लाने वालों के साथ यादगार तस्वीर नहीं ये फिर मालिक को दे काशिफ को मालिक को क्यों दे यार काशिफ जीरो बट्टा जीरो बैठे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक पॉइंट दे दे ये होता है मंसूर ठीक कह रहा था एडमिशन नेक्स्ट आधा आधा जवाब का आधा नेपोटिज्म कोई और साडे लायक हुकम साडे लायक कोई और हुकम और कुछ रहते नहीं गया ट्रिब्यूनल काशिफ बस आधा 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 कुछ साडे और ये मियां साहब को पूछ रहे मियां साहब को रहते नहीं गया मैंने पूछा किसी और को भी होना लेकिन मियां साहब आधा 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 मालिक गरीदा नहीं बेहतरीन मेरे ख्याल से डोनाल्ड लू के बाद सबसे बड़ा स्टार पाकिस्तान में अगर कोई है तो ये ही आजकल ये भी हो सकता है साडे लाइक कोई और को गुजरात नहीं या पीछे हो गया ये भी हो सकता है अगले इलेक्शन का भी फैसला सुना दिए। ये तो मिकी को भी जा रहे हैं यार आधा आधा करें आधा चलो जी नेक्स्ट सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। या फिर मैं जिसे बेटा बनाता हूँ वो मोहसिन नकवी बनता है तुम पहले ही फैसल वापडा हो तो तुम क्या बनोगे बेटा अब सा कोमल नहीं इतना बोर लुट गई मेला वाह चलो नेक्स्ट